दोस्तों आपको भी बिना पैसे लगाए ऑनलाइन अपने फोन से काम करके महीने के 50,000 से 1,00,000 रुपए कमाना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको हमेशा की तरह घर बैठे बिना पैसे लगाए कमाई का एक आसान तरीका बताने वाला हूं। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अपने फ्री टाइम में पैसा कमाना है, जेब में 1 रुपये नहीं है पर फोन है, उनके लिए कमाई का अवसर है। हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, जॉब वर्कर्स हो, सबके लिए आज का वीडियो रहने वाला है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा एक फ्रेश अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में, ट्रस्टेड रियल मनी अर्निंग एप्लीकेशन विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है बैंक साथी। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार मार्केट में मैक्सिमम अर्निंग एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं, कोई कमाता नहीं है, पैसा बैंक में नहीं आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक साथी बहुत ही ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है जिनके अब तक 15,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स है। बड़े बड़े जो न्यूज पोर्टल होते हैं, न्यूज वेबसाइट्स होती है, उनको इन्होंने कवर किया हुआ, इनकी सक्सेस स्टोरी को कवर किया हुआ है। और आज के टाइम में बैंक साथी के 15,00,000 से ज्यादा यूजर्स है, 15,00,000 से ज्यादा लोग इस ऐप के थ्रू कमाई कर रहे हैं, और इनकी जो टोटल अर्निंग हुई है अब तक, मतलब जितने भी लोगों ने अब तक कमाया उसका जो टोटल अर्निंग फिलहाल निकल के आता है, वो निकल के आता है 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई इतने सारे लोगों ने इस बैंक साथी को ऐप यूज करके कमाया हुआ है। तो अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है कि यार ये कुछ काम का है नहीं, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो या फिर वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बट आगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि बैंक साथी ऐप को यूज करके आपको कैसे कमाई करनी और बाकी लोग कैसे बैंक साथी ऐप को यूज करके कमा रहे, वो सारी ट्रिक्स टिप्स सब कुछ बताऊंगा। और ऐसे अलग अलग वीडियोस और अर्निंग एप्लीकेशन और कमाने के अलग अलग तरीके मैं मेरे चैनल के थ्रू लेकर आता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं पहले कि बैंक साथी पर आपको रजिस्टर कैसे करना है और आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर बैंक साथी आपको सर्च करना है, ऐप मिल जाएगा, ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड होने के बाद हमें ओपन करना है ऐप। ओपन करने के बाद आप देखोगे तो आपको जो भी लैंग्वेज है आपको चूज करना है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, तो आपको जो भी फिजिबल है वो लैंग्वेज चूज कर रहा है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा उसको स्किप करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड हो। जी हाँ, आधार कार्ड से लिंक हो ना मोबाइल नंबर, वही नंबर आप इस पे डालना है। तो मैंने मेरा नंबर डाल दिया और सेंड ओटीपी कर देना है। अभी इसमें लोकेशन का पूछेगा तो वाइल यूजिंग द ऐप डाल देना है और ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको गॉट अ रेफरल कोड आएगा। तो मेरा रेफरल कोड डालने से आपको फायदा यह होगा कि फ्यूचर में जो भी अलग अलग बेनिफिट्स आएंगे वो आपको जल्दी मिलेंगे। तो मेरा रेफरल कोड आपको डालना है 4220483। ये रेफरल कोड आपको डालना है और अपडेट कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज इसमें केवाईसी वेरिफिकेशन, क्योंकि ये कमाई का ऐप है तो इसमें केवाईसी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवाईसी रजिस्टर करने के लिए आपको एंटर डिटेल्स मैनुअली पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार नंबर आपको डालना है। तो ध्यान से आप आपका आधार नंबर डालिए और वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी उस पर आएगा जो आपका आधार कार्ड से जो नंबर लिंक्ड है, मोबाइल नंबर लिंक्ड है, उस पर आपको ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि वही नंबर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज करना जो आधार कार्ड से लिंक्ड है, राइट। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी डाल देना है और इट्स मी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा वेरीफाई पैन डिटेल्स, तो राइट, पैन नंबर जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने मेरा डाल दिया है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट आएगा प्लीज अपडेट योर एम पिन, तो आपको एम पिन सेट करना है। एम पिन सेट करना बहुत इजी है, सेट एम पिन पे जाना है और जो भी आपको एम पिन डालना है आपके हिसाब से जो भी पिन है वो डाल दो और सेंड ओटीपी पे दबाना है। और ओटीपी वापस आएगा आपको उसी नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया है, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और इट्स मी पे क्लिक करना है। एम पिन इसलिए होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे हम लोग बाकी के पिन डालते हैं, जैसे फोन में पिन डालते वैसे एम पिन रहता है। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल मेरा एम पिन रजिस्टर हो गया है और मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन सारा कुछ हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही ऐप हमारा ओपन हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्शंस हैं। तो जो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो टोटल अर्निंग्स का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी अर्निंग हुई होगी, जैसे 50,000, 60,000, 1,00,000 जो भी है, तो वहाँ यहाँ पे आपको दिखा देगा। और नीचे आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शन है कैसे कमाई करने के, नीचे सारे बहुत सारे ऑप्शन, वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो होती है आपकी बैंक डिटेल्स डालना, जिससे कि जो भी आप पेमेंट अर्न करोगे ना वो आपके बैंक अकाउंट में आए। तो अपनी बैंक डिटेल्स डालने के लिए आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में आपका फोटो दिखेगा, राइट, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको दिखेगा पेमेंट सेटिंग्स। अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको जो भी है वो डालना है, तो ऐड बैंक में करूँगा और आपका सेविंग हो, करंट हो, तो जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लिया है और जो भी आपका बैंक है तो वो आपको डालना है। तो मैंने मेरा बैंक नेम डाल दिया है। तो आपका आधार कार्ड पे जो भी नाम है एग्जैक्ट, वो ऐसे के वैसा सेम आपको डालना है। नीचे आपका जो अकाउंट नंबर है वो डालना है
वापस एक बार कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर डालना है और आपके बैंक का जो IFSC कोड है वो अच्छे से डालना है। और ये सारी चीजें आपको आपके बैंक के जो पासबुक होता है उस पर भी मिल जाएगी, या फिर जो ई स्टेटमेंट निकलता है उस पर भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी, IFSC वगैरह, अकाउंट नंबर और जो भी है। और एड बैंक पे क्लिक करेंगे और जो हम लोगों ने एम पिन बनाया था ना पहले, वही एम पिन आपको यहाँ पे डालना है और कंफर्म एंड कंटिन्यू दबा देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट सक्सेसफुली, बहुत ही इजी वे में आपका जो बैंक है वो आप बैंक साथी ऐप के साथ लिंक हो गया है। मतलब जितने भी आप पेमेंट कमाओगे इस बैंक साथी ऐप के थ्रू वो आपके डायरेक्टली उसी अकाउंट में आएंगे जो आपने बैंक साथी के साथ अभी रजिस्टर किया है। अब बैंक साथी ऐप है क्या और आपका काम क्या रहने वाला, बेसिकली मैं आपको एकदम ईजी वे में समझा देता हूँ। आपको ही पता है अपने सराउंडिंग में, राइट, फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, या फिर अपने जितने भी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, किसी का डीमैट अकाउंट नहीं होता है। आजकल आपको भी पता है बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है डीमैट अकाउंट। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं डीमैट अकाउंट कैसे बना है, तो वो डीमैट अकाउंट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे लोगों को यार बैंक अकाउंट बनाना होता है कि यार कोई बिजनेस शुरू करना है, सेविंग अकाउंट है किसी का सैलरी के लिए, राइट, बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पर्सनल लोन चाहिए होता है, राइट, ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है अपने सराउंडिंग में। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो नीड है, वो आप फुलफिल कर सकते हो बैंक साथी ऐप के थ्रू और उससे एक अच्छा कमीशन कमा सकते हो, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, राइट। अब वो कैसे, जैसे किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपने उसको क्रेडिट कार्ड बेच दिया, राइट, तो उससे आपकी कमाई हो गई। अगर आपने आपके सराउंडिंग यार मैं किसी को डीमैट अकाउंट बनवाना है, उनको आपने डीमैट अकाउंट बनवा के दिया बैंक साथी ऐप के थ्रू, तो उससे आपकी कमाई हो जाएगी। किसी को बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको उस बैंक साथी ऐप के थ्रू आपने बैंक अकाउंट खुलवा के दिया, तो उससे भी बहुत अलग अलग कमाई हो जाती है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग कैटेगरीज है जो आप सामने वाले कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हो और उससे अच्छा कमीशन कमा सकते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पूरा इंटरफेस आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे कमाई करनी है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि सेल एंड अर्न करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड करके ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक किया, बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड्स है वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे जो आप सामने वाली पार्टी या फिर सामने वाले कस्टमर को ऑफर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका कमीशन बनने वाला है ना वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। अगर आप समझो कोटक का है क्रेडिट कार्ड, अगर आप सामने वाले को सेल कर देते हो तो 1950 रुपये आपको मिलेंगे, HDFC का है तो 2550 का आपका अमाउंट होगा, राइट, फिर EU का है 2030 रुपये आप कमाई कर सकते हो, राइट। अब प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे यार कोई मेरा फ्रेंड फैमिली या फिर जो भी सराउंडिंग में उसे यार क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मुझे उसको कैसे बेचना, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं खुद स्टडी कर लूँगा। जैसे अभी ये HDFC का उसको चाहिए यार क्रेडिट कार्ड, तो मेरे इसमें अभी HDFC दिखा रहा है, राइट, UPI रुपये क्रेडिट कार्ड है, उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद HDFC रुपए क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स आएगी जाएगी, आपका जो कमीशन बनने वाला है जैसे अर्न 2250 रुपीस, सारा कुछ आएगा यहाँ पे। अगर आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी, जो कि क्रेडिट कार्ड के जो भी बेनिफिट्स रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल्स है। और ये सारी डिटेल्स पढ़ के, ये सारी जो डिटेल्स है ना वो आप उसे समझा सकते हो। तो जैसे उसने डिटेल समझा दी और सामने वाला कस्टमर रेडी हो गया कि चल यार मेरे को क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर पर दबाना है और नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और शेयर पे क्लिक करना है और आपका जो कस्टमर रहेगा सामने वाली पार्टी उसको व्हाट्सएप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप कर दिया और राइट, ये व्हाट्सएप हो गया। अब उसको क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स सेंड हो जाएगी व्हाट्सएप पर ही। अब उसको जब मैसेज आएगा तो यहाँ पे उसको ऑप्शन आएगा अप्ला नाव करके, तो आपका सामने वाला कस्टमर अप्ला नाव पे क्लिक करेगा तो उसको सारी उसको बोलना है कि भाई तू इसमें जो है सारी डिटेल्स भर दे। सबमिट करने के बाद जो आगे की सारी प्रोसेस है ना वो सारी प्रोसेस बैंक करेगी और बैंक उसको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगी, क्रेडिट कार्ड भेज देगी। और जब क्रेडिट कार्ड भेज देगी तो आपको जो सारा आपका जो लीड है ना, जैसे यार आपके सामने वाले कस्टमर को आपने क्रेडिट कार्ड भेज दिया, तो दिखेगा किधर कि यार आपका कस्टमर को मिला है क्रेडिट कार्ड कि नहीं, रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, उसको मिला है कि नहीं, तो वो सारा मिलेगा आपको। अगर आप ऐप पे जाओगे लीड सेक्शन में, लीड पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको सारा कुछ आ जाएगा कि आपकी कितने लीड्स हुई है, कितने कस्टमर बने, कितने कस्टमर ने आपके लिंक के थ्रू रजिस्टर किया और किन किन को क्रेडिट कार्ड मिला है। अब समझो यार आपका जो सामने वाला कस्टमर उसको HDFC का क्रेडिट कार्ड मिल गया, जो भी आपका कमीशन था ना 2550 रुपए वो आपका टोटल अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी तरह जो भी आपके आसपास जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी आपको, जैसे डीमैट, पर्सनल लोन की, बैंक अकाउंट की, तो सेम प्रोसेस है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है पहले कि यार उसे क्या चाहिए है,
यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस दिखेंगे वो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर करना है और सामने जो आगे का काम है वो सारा बैंक्स करेगी। और इसमें सिर्फ होगा क्या, आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा सिर्फ शेयर करने पर और सामने वाला कस्टमर लाने पर। ये हो गया सेम क्रेडिट कार्ड के लिए और सेम सबके लिए। जैसे अगर आप डीमैट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो सेम चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप एमस्टॉक का डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 730 रुपए मिलेगा, एंजल वन का खुलवाओगे तो 200-250 रुपए मिलेगा। सेम चीज है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे शेयर करनी है आपके कस्टमर पे, कस्टमर रजिस्टर करेगा और डायरेक्टली उसका अकाउंट वो अपने आप जो कंपनी रहेगी जैसे एंजल वन रहेगी वो सारा हेल्प कर देगी उसको अकाउंट ओपनिंग में। आपको कुछ भी उसका ज्यादा हेडेक नहीं लेना है उसका, आपको सारा जो चीज है ना अगर समझे उसने रजिस्टर कर लिया तो सारा आपको लीड सेक्शन में आपका दिख जाएगा कि कितने कस्टमर आपके बने हैं, कितना कितने कितने लोगों का पूरा प्रोसेस हो चुका है और सारा जो भी आपका अर्निंग है वो आपका टोटल अर्निंग में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को यार सेविंग अकाउंट खोलना है तो सेम चीज, आपने बैंक अकाउंट्स पे क्लिक किया, उसको पूछना है कि तेरे को कौन से बैंक का सेविंग अकाउंट खुलवाना है। जैसे इसमें इंडसइंड सेविंग्स बैंक कोटक का है, एयू बैंक का है, राइट। तो इस तरह से है, जैसे अभी एयू बैंक का 1360 रुपए आपको मिलेगा तो आपने एयू बैंक का इंफॉर्मेशन रहेगा सारा, डिटेल्स आपको जो सारी है डिटेल्स सारी पढ़ लेनी है, वो सारी डिटेल्स आपको कस्टमर को समझानी है। अगर कस्टमर को लगता है कि हाँ यार मेरे को इसका बैंक अकाउंट खोल के दो तो आप यहाँ पे आपको सिर्फ शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे दबाकर व्हाट्सएप करना है और आपका जो भी फ्रेंड रहेगा उसको सेंड कर देना है। अब जो सारी डिटेल्स उसको व्हाट्सएप हो जाएगी तो उसको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन नाउ, ओपन नाउ पे जब क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसको बोलना है कि भाई तू सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दे। डिटेल्स भरने के बाद जो सारा काम है ना वो एयू बैंक करेगी उसके साथ, एयू बैंक करेगी और सारा बैंक ओपनिंग से लेकर सारा सपोर्ट एयू बैंक करेगी और आपका जो कमीशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। देखा बहुत ईजी है ना इसमें। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन का सेक्शन है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए होगा तो नीचे अलग अलग प्रोडक्ट्स है जैसे इन का है, क्रेडिट भी का है, मतलब किसी ने समझो यार एक लाख का लोन लिया तो उसका 4% होता है 4,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 1 लाख का 4% हुआ 4,000 रुपए आपको आपके जो अर्निंग है उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह आप अलग अलग जो सर्विसेज आप सामने वाले कस्टमर को ऑफर कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने में उन्हें हेल्प कर सकते हो और अच्छा खासा कमीशन उससे कमा सकते हो। और इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है रेफरल। आप रेफरल के थ्रू भी आप इनकम कर सकते हो, आपके सराउंडिंग में फैमिली फ्रेंड में आपको बैंक साथी आपके बारे में बताना है, राइट, उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताना है, कैसे कमाई होगी उसके बारे में बताना है और आपका जो रेफरल कोड है उनको बोलना है कि आप डाल दीजिए और डालने के बाद वो लोग जितनी कमाई करेंगे ना उस पर आपको 10% मिलेगा। जी समझो सामने वाली पार्टी ने यार मतलब जो भी आपका कस्टमर है उसने 1 लाख रुपए कमाए बैंक साथी से तो 10% मतलब आपका कितना हो गया 10,000 रुपए आपके इधर अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह आप रेफरल से भी कमाई कर सकते हो, जितना आप ये बैंक साथी आपको रिफर करोगे उतनी आपकी कमाई बढ़ते रहेगी। तो जो इसमें बेसिक चीजें है ना सारी मैंने आपको समझा दी है, बट अगर आपको बहुत ट्रेनिंग लेनी है कि यार इसमें और बड़ा स्कोप कैसे रहेगा मार्केटिंग, तो इनके अलग अलग सेशंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइव ट्रेनिंग में अगर आप क्लिक करोगे तो इनके अलग अलग जूम सेशंस होते हैं, वीडियो कॉल पे सेशंस होते हैं, वो आप ज्वाइन करके इनकी जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हो, राइट। और इनका मैंने ट्रेनिंग भी खुद देखा हुआ है, बहुत प्रोफेशनली ये ट्रेन करते हैं, बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स एंड टिप्स बताते रहते हैं। सारी वीडियोज में तो नहीं बता सकता, आप इनसे सीख सकते हो जैसे क्रेडिट कार्ड कैसे बेचना है सामने वाले को, सेविंग अकाउंट कैसे बेचना है, इसमें इससे आपको बिजनेस कैसे बड़ा करना है, राइट, बैठे बैठे आपको फोन थ्रू कैसे आगे काम करना है। सारे बहुत अलग अलग लाइव सेशंस होते हैं और ये सारा जो ट्रेनिंग सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एनरोल करना है, सारी चीजें सीखना है और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, इसको और बड़े लेवल तक लेके जा सकते हो और अच्छी खासी कमीशन और अच्छी खासी अर्निंग इसमें कर सकते हो। और अभी के टाइम में जैसे वर्ल्ड कप चालू है ना तो इनका वर्ल्ड कप का भी एक फिलहाल बहुत जबरदस्त ऑफर चालू है। जैसे बैंक साथी वर्ल्ड कप पे अगर आप क्लिक करोगे तो इनका बैंक साथी का वर्ल्ड कप चैलेंज फिलहाल चालू है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, राइट। तो जितने भी अलग अलग जैसे क्रेडिट कार्ड आप बेचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर बेचते हो तो आपको 2,250 तो मिलेंगे, उसके साथ आपको 6 रन्स मिलेंगे, राइट, 6 रन्स आपके ऐड हो जाएंगे आपके बैंक साथी ऐप में। जैसे इंडसइंड का बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आप सामने वाले को बेचते हो तो आपको 2,480 रुपए मिल जाएंगे और आपको 6 रन मिल जाएंगे। तो ऐसे इस ऐप पर आपके रन्स बनते हैं, कमाई भी तो होती है बट रन्स बनते हैं वर्ल्ड कप के ऑफर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इनके अलग अलग ऑफर चालू है और प्राइजेस चालू है, जैसे 500 रन अगर आप बनाते हो मतलब 500 रन अगर आप गेन करते हो तो बोट के एयरपॉड्स मिल जाएंगे, 1,000 रन आप गेन करते हो तो नॉइस स्मार्टवॉच आपको मिल जाएगा। इस तरह से नीचे नीचे अगर ऊपर ऊपर जाओगे तो जैसे अगर आपके 70,000 रन हो जाते हैं तो आपको एक रिनॉल्ट क्विड भी मिलती है। आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बैंक साथी ऐप का डाउनलोड लिंक है, उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए बैंक साथी ऐप, रजिस्टर करिए और मेरा जो रेफरल कोड है ना वो यूज करना ना भूले ताकि जो भी फ्यूचर में अलग अलग ऑफर्स आएंगे वो आपसे मिस ना हो जाए।